लोकसभा चुनावों के बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल में बड़े स्तर पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसी बीच गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन चर्चा में है, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बंगाल समेत देश भर में बड़े स्तर पर अब एनआईए की कार्रवाई होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। पश्चिम बंगाल के मिदनीपुर ईस्ट के भूपति नगर में 5 अप्रैल की रात एनआईए की टीम पर हमला हुआ। इस दौरान एक अफसर को चोट भी आई। कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर एनआईए की टीम भूपति नगर में 2022 में हुए बम धमाके की जांच करने पहुंची थी, जिसके बाद ये हमला हुआ। इस जमीनी हकीकत को जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। दरअसल भूपति नगर में 3 दिसंबर 2022 को एक घर में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें घर की छत उड़ गई थी। हादसे में 3 लोगों की जान भी गई थी। पिछले महीने एनआईए ने इस मामले में पूछताछ के लिए तृणमूल कांग्रेस के 8 नेताओं को समन भेजकर बुलाया था और इसी कड़ी में आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने एनआईए की टीम पहुंच गई। लेकिन जब एनआईए की टीम ने आरोपियों को ले जाने की कोशिश की, तभी वहां मौजूद लोगों ने एनआईए अधिकारियों की गाड़ी पर पथराव कर दिया। इसके बाद एनआईए ने शनिवार यानी 6 अप्रैल को भी पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ कार्रवाई की और ये कार्रवाई आने वाले वक्त में और बढ़ेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए 5 SPP यानी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किए गए हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस हंगामेदार एक्शन से पहले राज्यों में 34 SPP की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। उनमें से 8 को पश्चिम बंगाल और 7 को दिल्ली के लिए नियुक्त किया गया। दिल्ली में ही एनआईए का मुख्यालय भी है। गृह मंत्रालय से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार अदालतों में एनआईए की ओर से मामलों की पैरवी करने के लिए वकीलों को 3 साल के लिए SPP नियुक्त कर रही है। अब आपको बताते हैं कि गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में क्या है। केंद्र सरकार अदालतों में एनआईए की ओर से मामले की पैरवी करने के लिए अधिवक्ताओं को 3 साल के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करती है। अब आपको दिखाते हैं नोटिफिकेशन में किन राज्यों के नाम है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मद्रास, मेघालय, इन राज्यों के नाम दिए गए हैं। अब बात करें 2022 में हुए बम धमाके की, तो 3 दिसंबर 2022 को इस धमाके के मामले में FIR दर्ज की गई थी, लेकिन विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं किए गए थे। बाद में अधिनियम की और धाराओं को लागू करने और मामले को एनआईए को ट्रांसफर करने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई, जिसके बाद जून 2023 में एनआईए ने इस केस को अपने हाथ में ले लिया। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम समेत कई धाराएं जोड़ी गईं और दिल्ली में मामले को फिर से दर्ज किया गया। एनआईए ने अपनी जाँच के बाद मामले में कई लोगों की संलिप्तता का आरोप लगाया। इनमें मनोव्रत जाना और चरण मैती को एनआईए ने गिरफ्तार भी किया है। आरोप है कि दोनों आरोपी कच्चा बम बनाने में पूरी तरह से एक्टिव रहे हैं। मौजूदा केंद्र सरकार पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वो विपक्षी नेताओं को परेशान करने या उन्हें डराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है। इन एजेंसीज में एनआईए का नाम बार बार आता है। वहीं एनआईए पर भी आरोप लगते हैं कि वो सरकार के दबाव में जानबूझकर लोगों को परेशान और बदनाम करने के लिए कार्रवाई करते हैं। ऐसे में आज ये भी जानना जरूरी है कि एनआईए क्या है और कैसे काम करती है, उसके पास क्या क्या पावर्स हैं। दरअसल देश में बढ़ते आतंकवाद को खत्म करने और देश विरोधी ताकतों पर लगाम लगाने के लिए एनआईए का गठन किया गया था। साल 2008 में हुए मुंबई पर आतंकवादी हमले के बाद ऐसे जांच एजेंसी की सख्त जरूरत महसूस हुई, जो केंद्र सरकार के अधीन रहकर आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रख सके और ऐसी घटनाओं की जांच करने के साथ उनको समय रहते विफल कर सके। एनआईए का गठन आतंकवाद को धन उपलब्ध कराने पर लगाम लगाने और आतंकी हमलों की घटनाओं और उससे जुड़े लोगों की जांच करना है। अब आपको बताते हैं कि एनआईए काम कैसे करती है। तो 2008 में एनआईए का गठन हुआ। आतंकवाद पर लगाम लगाना एजेंसी का मकसद है। केंद्र के अधीन रहकर आतंकी गतिविधियों पर नजर रखती है एनआईए। आतंकी घटनाओं से जुड़े लोगों की जांच करती है। संदिग्धों को धन उपलब्ध कराने को लेकर लगाम भी लगाती है। एनआईए का पूरा नाम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसका गठन 31 दिसंबर 2008 को भारत की संसद द्वारा किया गया। इस संस्था के पहले महानिदेशक राधा विनोद राजू थे। वहीं भारत सरकार से इस संस्था को कई विशेष अधिकार मिले हुए हैं।
इसमें आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों पर ठोस कार्रवाई करके उनकी संपत्ति तक सीज करना और उस व्यक्ति या संगठन को आतंकवादी घोषित करना है। इस संस्था के अंदर राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। एनआईए का मुख्यालय नई दिल्ली में है और हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, जम्मू में इसकी क्षेत्रीय शाखाएं हैं। एनआईए की उपलब्धियों की बात करें तो इनमें 2012 में इंटरपोल और सऊदी इंटेलिजेंस की मदद से अबू हमजा उर्फ अबू जुंदाल, फसी मोहम्मद और यासीन भटकल जैसे आतंकियों की गिरफ्तारी की है। 2013 में असदुल्लाह अख्तर उर्फ हड्डी की नेपाल सीमा पर गिरफ्तारी भी शामिल है। इसके अलावा 2014 में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेशी नाम के प्रतिबंधित बांग्लादेशी आतंकी संगठन की साजिश की जांच के बाद अब तक 20 की गिरफ्तारी और 27 आरोपियों का इस साजिश में शामिल होने का पता लगाया है, जिनमें 5 बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं। वहीं जम्मू और कश्मीर में आतंक विरोधी लड़ाई में जनवरी 2018 में एनआईए ने लश्करे तैयबा के सरगना हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन समेत 12 के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। आतंक, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए एनआईए कार्रवाइयां कर रहा है और अब एनआईए के लिए पैरवीकारों की एक मुश्त हुई नियुक्ति से ऐसा लगता है कि अब आतंकवाद के मामलों में देश भर में बड़ा एक्शन होगा, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।